बस अब बहुत हो गया, आज मैं बोलूंगा और बहुत सारे राज खोलूंगा, इसीलिए ताकि आपके आंखों के ऊपर ये जो पर्दा है ना उसको हटाया जा सके। बहुत सुने होंगे आप नेहा आशीष तिवारी जी के बारे में, ऑब्वियसली देखते भी होंगे, है ना, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप देख करके भी समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारी अनजान चीजें हैं, और उन्हीं चीजों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा जिन्हें आपने कभी नोटिस नहीं किया। सुन सकते हो? अगर सुन सकते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और बिना देखे कमेंट मत करना। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा अपनी बात को, बिना वीडियो को पूरा देखे कमेंट मत करना, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। माफ करना नेहा जी, लेकिन आज बताना बहुत जरूरी है। इटारसी मध्य प्रदेश में जन्मे नेहा आशीष तिवारी बचपन से ही महाभारत, गीता और रामायण जैसे पौराणिक कथाओं के सुनने के बहुत शौकीन थी। असर ये हुआ कि छोटी उम्र से ही एक स्वाभाविक नेचुरल लीडरशिप और सेल्फ गाइडेंस की क्वालिटी नेहा आशीष तिवारी में डेवलप हुई। प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होने के कारण शुरू से स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हर अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए नेहा आशीष तिवारी से गाइडेंस लेने के लिए इनके पास पहुंच जाते थे। लेकिन पति का साया सिर से हट जाने के बाद इन्होंने आज की इस मुकाम को आखिर कैसे हासिल किया? मैन पावर तो था नहीं, रिसोर्सेस तो थे नहीं, उतना फंड तो था नहीं, ना ही पीछे से कोई सपोर्ट था, ना ही पावर, और ना ही किसी तरह का अलायंस था, फिर भी इन्होंने आज की इस मुकाम को हासिल किया। आखिर कैसे? आज इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं कि वीडियो पूरा देखे बिना कमेंट मत करना, क्योंकि आज सारे राज खोलूंगा। पति के गुजर जाने के बाद जब ससुराल वालों ने इन्हें तिरस्कृत किया तो आत्म स्वाभिमान की रक्षा के लिए और ताशी के भविष्य को संवारने के लिए इन्होंने इटारसी को भी अलविदा कह दिया। इन्हें अच्छी तरह पता था कि ताशी के भविष्य के लिए YouTube पर पूरी तरह डिपेंड होना सही नहीं है, तो ऑफलाइन वर्क के इम्पोर्टेंस को समझते हुए इन्होंने अपने क्वालिटी और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए एक बुटीक के रूप में अपना बिजनेस को डेवलप करना शुरू कर दिया। पर बुटीक के लिए पैसे चाहिए थे, लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन लोन नहीं मिला। वो चाहती तो सारी जिंदगी हाथ पर हाथ रख के निराश होकर बैठ सकती थी, या फिर पिता के कंधे पर मजबूरी एक बोझ बनकर के बैठ सकती थी, लेकिन नहीं, हार स्वीकार नहीं था, सारा खेल भगवत गीता का था, सब गीता का प्रभाव था। साफ साफ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, व्यवसायिक आत्मिका बुद्धि रेके है कुरु नंदना। हे अर्जुन, जिसका मात्र एक लक्ष्य होता है वो सफल होता ही होता है। वाह क्या बात कही, जिसका मात्र एक लक्ष्य होता है वो सफल होता ही होता है। और नेहा आशीष तिवारी का लक्ष्य पहले से निर्धारित था, फिक्स था, इसीलिए अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। रेडीमेड कपड़ों को बेचकर और सिलाई करके बिना लोन लिए इन्होंने पैसे का जुगाड़ किया और आज एक बुटीक खोलने में सफल रही। इसे कहते हैं संघर्ष, जिसे एक छोटे और संकीर्ण विचारधारा वाले लोग नहीं समझ सकते। उन्हें तो मात्र नेगेटिव कमेंट करना होता है और इनके चरित्र पर सवाल उठा करके उन्हें मजा आता है। ऐसे लोगों के लिए एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, आपसे बोल रहा हूँ, अगर आप भी नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, तो मैं क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ, अभी आपके दिमाग की, अभी आपके सोच की वो औकात, वो हैसियत नहीं है जो किसी सफल इंसान के सफलता को समझ सके। इसीलिए मैं साफ साफ आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप नेगेटिव कमेंट करते हो किसी भी सफल इंसान का, तो आज अभी इसी वक्त छोड़ दीजिए, क्योंकि सफल इंसान के सफलता का मजाक उड़ाने पर सफलता नाराज हो जाती है, किस्मत नाराज हो जाती है और दरिद्रता का आगमन होता है। इसीलिए आपसे बहुत समझदारी के साथ और रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूँ कि सिर्फ नेहा आशीष तिवारी जी ही नहीं, जितने भी YouTube पर या कहीं भी सफल लोग हैं ना, उनका मजाक बनाना छोड़ दो, क्योंकि इससे सफलता नाराज होती है, प्रकृति देखती है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। अगर आप भी अपने घर में संपन्नता और अपने आप को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो तो सफलता के कारणों को समझो और सफल हुए लोगों का सम्मान करना सीखो। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। मिलते हैं रिश्तों के रॉकस्टार के अगले नए वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।